हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इशिता। आज का हमारा ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो बहुत सिंपल इजी टू कुक रेसिपी है, जिसका नाम है मेथी पराठा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी व्हीट फ्लार, यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ग्रीन मेथी है जिसको मैंने अच्छे से धो के चॉप करके रखा है, 1 चॉप्ड ऑनियन है, हरा धनिया है, और ये है अजवाइन जो थोड़ा फ्लेवर देगा पराठे में, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड ग्रीन चिली और हल्दी पाउडर, तेल, पानी डो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। सॉल्ट के बाद हम इसमें ये सब अच्छे से डाल देंगे, ये फाइनली चॉप मेथी, कांदा ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज ऑनियन डालने से वो पराठे का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। हरा धनिया, ये अजवाइन भी इसमें डाल देते हैं। अब डालते हैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों से। और अब इसमें धीरे धीरे से पानी डाल के इसका अच्छा सा एक डो रेडी कर दीजिए। देखिए अभी ये डो अच्छे से तैयार हो चुका है, हमें बस अभी से 10 मिनट्स रेस्टिंग के लिए छोड़ देना है। आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, इसे अच्छे से चारों बाजू से फैला दीजिए उसको, पूरे आटे में अच्छे से वो लग जाए। और बस आपको इसे 10 मिनट रेस्टिंग के लिए रखना है, फिर ही आपका डो रेडी है पराठा बनाने के लिए। तो देखिए ये कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। Easy to make, easy to cook, easy to eat. अब हम इसे resting के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, अच्छे से ये रेस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, तो आइए चलिए अभी हम इसके पराठे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप छोटे छोटे पीसेस से उठा दीजिए उसको, अच्छे से एक डो बना दीजिए। देखिए इस तरह हम इसको बेल देंगे अच्छे से। आपको हल्के हाथ से इसे बेलना है इवेनली चारों बाजू से। चारों बाजू से अच्छे से बेल दीजिए इसे, ताकि ये एक साइड से पतला जाड़ा ना रहे, चारों बाजू से अच्छे से इवन पराठा दिखे। देखिए कांदा भी इसमें कितना सुंदर दिख रहा है, वैसे ही खाते वक्त बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ऑनियन के साथ ही ट्राई करके देखिए पहले। अब ये हो चुका है, गैस भी हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए पराठा गैस पे डाल देते हैं। तो चारों बाजू से अच्छे से तेल डाल दीजिए ताकि पराठा अच्छे से कुक हो जाए। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आपका कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी, टेस्टी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो देखिए पराठा कितना अच्छे से पक रहा है, इसे चारों बाजू से अच्छे से पकाते जाइए। देखिए पराठा भी चारों बाजू से इवेनली कुक हो चुका है, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, तब ये रेडी टू सर्व है। अभी आप इसे हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे हम सर्व कर देते हैं।
देखिए कितना गर्मा गर्म मेथी पराठा रेडी हो चुका है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसे अचार के साथ, दही के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को खिलाना है तो इसमें मिर्ची पाउडर ना ऐड कीजिए, तो आप ये बच्चों को भी खिला सकती है। बहुत हेल्दी, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।